वो आज तक पूरे भारत में और दिल्ली में भी कोई चुनाव कभी नहीं जीते। कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने भोपाल से जीत का दावा किया है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। 10 साल तक राज किया करो, आज आप एक बतौर सांसद चुनाव जीतूंगा। अच्छा सर, ये आपके इस चुनाव में आपका दिग्विजय सिंह का क्या मुद्दा रहा है कि जनता भोपाल की दिग्विजय सिंह को चुना? ये सब 10 मई शाम को सर, जो आप जो चुनाव में जब आप आए यहाँ पर, तो अभी जैसे आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही थी कि मोदी जी के राज में हिंदू और हिंदुत्व पहली बार इनको सम्मान मिला और पहली बार इनको इंसाफ मिला। मैंने आपसे कहा ना, 10 मई शाम को 6 बजे के बाद अब मैं कोई बात अपनी नहीं, जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका। सर मुझे बस एक चीज आपको मुद्दे बता दीजिए, भोपाल के लिए अगर भोपाल की जनता दिग्विजय सिंह को चुनती है तो भोपाल के लिए दिग्विजय सिंह का विजन क्या है? ये सब आपको जानकारी है, अब तो एक ही बात है, बटन दबाओ, वोट बढ़ाओ, देश बचाओ। हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के राष्ट्रवाद को नकली राष्ट्रवाद बताया। रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। हुड्डा साहब, इस बार गढ़ बचाने की चुनौती है, बीजेपी कह रही है रोहतक सोनीपत दोनों जगह हुड्डा पिता पुत्र को हराएंगे और कांग्रेस का जो गढ़ है उसमें क्लीन स्वीप कर देंगे हम। देखिए, पहली बात तो गढ़, ये भाजपा गढ़ बोलती है, ये हमारा गढ़ नहीं है, ये हमारा घर है और घर सदा रहता है। दूसरी बात, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाजपा ने जिस प्रकार से हमें निशाने पे लिया है और खबर छप रही कि भाई भाजपा मुख्यालय से चक्रव्यूह रचेंगे दीपेंद्र के खिलाफ रोहतक लोकसभा सीट में, और प्रधानमंत्री जी भी आखिरी दिन आ रहे हैं, जिस तरह निशाने पे लिया है वो क्यों लिया है, उसका स्वाभाविक कारण ये है कि यहाँ का जो चुनाव है वो चुनाव केवल एक सांसद बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। यहाँ का चुनाव हरियाणा की विधानसभा चुनाव जो 6 महीने बाद हैं उनका सत्ता का सेमीफाइनल के रूप में बीजेपी को भी समझ है, लोग भी उसी की तरह देख रहे हैं। जिस दिन हमारी बड़ी जीत यहाँ